जन्माष्टमी का मौका है और देश भर में कृष्ण भक्ति का माहौल है। मथुरा वृंदावन के साथ साथ देश के समूचे मंदिरों में जन्माष्टमी की रात को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं और इन दोनों के बिना अधूरा है मथुरा और वृंदावन का गौरवमयी इतिहास। अगर ऐसे में वृंदावन के रहस्यमयी और अलौकिक निधिवन की बात न की जाए तो कुछ कमी ही लगेगी। जी हाँ, वृंदावन का प्रसिद्ध निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण और राधा रास करने आते हैं, अपने आप में रहस्यमयी और अलौकिक है। निधिवन वृंदावन के नजदीक बसा एक छोटा सा वन है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आधी रात को यहाँ कृष्ण गोपियों और राधा के साथ रास रचाने आते हैं। दिन में यहाँ पर्यटकों की भीड़ रहती है और शाम होते ही यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। प्रशासन के अनुसार यहाँ रात को रुकना प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि रात होते ही मंदिर के पुजारी और सुरक्षा गार्ड भी बाहर चले जाते हैं। वृंदावन में सबसे ज्यादा बंदर इसी वन में रहते हैं, लेकिन शाम होते होते ही एक एक बंदर इस वन को छोड़कर चला जाता है। रात में यहाँ क्या होता है इसका कोई गवाह नहीं, ना ही आज तक कोई इस बात का साक्ष्य जुटा पाया। कहते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ रात को रुकने की कोशिश की और वो हमेशा के लिए अंधे और गूंगे हो गए। हालांकि इसका प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन कुल मिलाकर अपने आप में भगवान कृष्ण से जुड़े रहस्य समेटे इस निधिवन को लेकर कई तरह की बातें यहाँ प्रचलित हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जिस किसी ने भी निधिवन में रात को रुकने की हिम्मत की वो 24 घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाया। पंडित कहते हैं कि रात में रुकने वाले को भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन वो भगवान की अपार ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते, जिस वजह से यहाँ रुकने वाला शख्स या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। ऐसे कई लोगों की समाधि इस परिसर में मौजूद है, जिनके बारे में दावा किया गया कि वो रात भर निधिवन में रुके। सबसे बड़ा सवाल उठता है निधिवन में मौजूद 16,000 पेड़ों और लताओं का। आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जबकि निधिवन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं और एक दूसरे पेड़ की शाखाओं से गुथ जाती हैं। इन्हें स्थानीय नागरिकों द्वारा श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बताया गया है। यहाँ सदियों से रह रहे स्थानीय नागरिक दावा करते हैं कि रात को यहाँ भगवान कृष्ण और राधा का रास होता है। 16,000 रानियां रात को भगवान संग रास करती हैं और सुबह होते ही निधिवन में मौजूद पेड़ों और लताओं में तब्दील हो जाती हैं। यहाँ के पुजारी चेताते हैं कि अगर जाते वक्त पर्यटक या भक्त किसी पेड़ की लता या पत्तियों को साथ ले गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए वन से बाहर निकलने वाले यहाँ से एक पत्ती तक तोड़कर नहीं लाते। 2.5 एकड़ में फैले निधिवन को मधुवन भी कहते हैं। यहाँ वन के बीचों बीच एक कमरा है जिसे रंग महल कहा जाता है। मंदिर के पुजारी शाम 7 बजे इस रंग महल में भगवान के भोग की हर चीज, चंदन के पलंग पर नई चादर, दातुन, श्रृंगार का सामान, पान मिठाई इत्यादि रखकर चले जाते हैं। कमरे के दरवाजे पर एक मोटा ताला जड़ दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल के द्वार खुलते हैं तो पान आधा खाया हुआ मिलता है और दातुन चबाया हुआ, मिठाई भी खाई हुई मिलती है और बिस्तर पर सलवटें होती हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि खुद भगवान कृष्ण यहाँ रात को रास रचाने आते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं। निधिवन परिसर को संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी ने बसाया था। कहा जाता है कि केवल वो ही राधा कृष्ण की रासलीला देख पाते थे। आज भी परिसर में उनकी जीवित समाधि मौजूद है।